दौड़ती मुंबई, दौड़ती मुंबई। तो अभी पिछले कुछ समय मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर मैं एक दो टूरिस्ट स्पॉट गई। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो इसलिए मैं मुंबई की पूरी सैर नहीं कर पाई। तो आज मैं आपके साथ चल रही हूँ मरीन ड्राइव पर। ये देख रहे हैं रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें, और पेड़ पौधे भी हैं। तो हम पहुँच रहे हैं मरीन ड्राइव की ओर। कितनी ऊँची ऊँची गगनचुंबी इमारतें बिल्कुल आकाश को छूने की तैयारी में हैं। तो हम बात करें मरीन ड्राइव की, या हम मरीन ड्राइव पर पहुँच गए हैं। अरब सागर के किनारे ये बसा हुआ है। मरीन ड्राइव के बनने की जो कहानी है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। एक्चुअली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की योजना थी, एक तरीके से समुद्र का भराव करके शहर को आगे बढ़ाने की, पश्चिम की ओर आगे बढ़ाने की योजना थी। और इसका जो प्रस्ताव था 1860 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन इस पर काम जो है वो 1920 में शुरू हो पाया। 1500 एकड़ ज़मीन के भराव की योजना थी, लेकिन कुछ राजनीतिक जो उस समय कारण थे देशी विदेशी, उनकी वजह से केवल 17 एकड़ ज़मीन पर ही काम हो पाया। और मरीन ड्राइव के किनारे बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स जो लगभग 1937 ईस्वी के आसपास की हैं, आलीशान पारसी मीनारें हैं जो आर्ट डेको शैली में बनी हुई हैं। ये मरीन ड्राइव का सी शेप एरिया आप देख रहे हैं। रात के समय में ये बिल्कुल लाइट से जगमगा जाता है और हार की तरह लगता है, हार यानी नेकलेस की तरह, तो इसलिए इसका एक नाम क्वींस नेकलेस भी है। यहाँ का जो फेमस होटल है मुंबई का ओबेरॉय, ये पास में ही है। और यहाँ पर सुरैया, नरगिस और राज कपूर जैसे फेमस स्टार्स भी रहते थे एक समय में। ये देख रहे सी शेप स्ट्रक्चर इसका, रात में बहुत खूबसूरत लगता है। कहते हैं कि ये इतना मजबूत बना हुआ था कि 72 साल तक भी इस पर कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन 72 साल के बाद सेफ्टी मेजर्स की वजह से इसका रिनोवेशन किया गया, जिसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सूर्यास्त यानी सनसेट देखने के लिए लोगों की पसंदीदा जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है। मैंने तो पहली बार ही समुद्र देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मन कर रहा था बैठने का कि मैं रात का भी नज़ारा लूं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि रात के समय में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं जा पाई। देखिए ये केकड़े, इस पर बहुत केकड़े रहते हैं यहाँ पर, और ये टेट्रापॉड्स हैं, काफ़ी सारे टेट्रापॉड्स हैं, लगभग 6500 टेट्रापॉड्स हैं जिन्हें विदेश से मंगाया गया था। और इसके बारे में दिलचस्प जो जानकारी एक और है कि एक्चुअल में इसका जो ऑफिशियल नेम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड कहा जाता है। तो साथियों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं, बाय बाय।